लास्ट वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़े थे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया हम पढ़ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जैसे कि आपने नेक्स्ट चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब पढ़ा था। स्लैब क्या होती थी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसमें दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते थे जो एक दूसरे के पैरेलल, उससे एक स्लैब बनती, क्यूबॉइड फॉर्म में आप कह सकते हो, थिकनेस इसकी कम हो तो वो एक स्लैब थी। उसमें से आपने देखा लाइट कैसे पास होती है, इंसिडेंट रे, फिर प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, फिर बाहर इमरजेंट रे। आपने देखा था कि इंसिडेंट और इमरजेंट रे पैरेलल आती हैं, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, लेटरल हो जाती है, वो आपने देखा। अब हम बात करेंगे प्रिज्म की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रिज्म, प्रिज्म क्या है। प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो तो ट्रायंगुलर फेस रखता है, इसके अंदर क्या है, ट्रायंगुलर फेस होंगे दो और तीन होंगे रेक्टेंगुलर फेस, एंड दिस रेक्टेंगुलर फेस आर इंक्लाइन एट सम एंगल विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। आप सिमिलरली सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। सिंपल से आप ये कह सकते हो, फिगर ही बनाकर बताएंगे हम। तो हम प्रिज्म के बारे में बताएं, सबसे पहले प्रिज्म क्या है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दिखा रहे हैं, देखिए प्रिज्म का एक सिंपल सा फिगर, ये दो प्लेन सरफेस थे ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे झुके हुए, तो नीचे का सरफेस भी लाएंगे तो वो भी एक रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से और सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फेस ही होगा, एक दूसरी तरफ होगा ये ट्रायंगुलर। प्रिज्म में क्या होगा, प्रिज्म इन्हें प्रिज्म बोलेंगे हम, इन्हें प्रिज्म देयर आर टू अपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस अपोजिट मतलब एक ही तरफ एक दूसरी तरफ है, एंड थ्री लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस। लेटरल मतलब साथ में ये हो गया, फिर उसके साथ दूसरा, फिर उसके साथ तीसरा, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रिज्म है। आप इसमें नाम दे सकते हो, ए बी सी नाम कोई भी दे दो। ठीक है, इस प्रकार से तो यहां जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बी ए सी कह दे, एंगल ए कह दे, जो दो आपके जो ये
लेटरल सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल है ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एसेंस ऑफ द एंगल बिटवीन इट्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इन फिगर में आप कहो तो ये क्या है? ए, इन फिगर इट इज एंगल बी ए सी, और सिंपली आप कह सकते हो एंगल ए। ये हुई एक ग्लास प्रिज्म, ग्लास से बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा प्रिज्म से, तो उसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो खुद। कि क्या करो कि आप एक ड्राइंग बोर्ड दो, उसके ऊपर ड्राइंग शीट, व्हाइट शीट, व्हाइट पेपर लगाओ, फिक्स कर दो उसको, उसके ऊपर एक प्रिज्म रखो। जब फिगर बनाते हैं तब क्यों इतना एरिया प्रिज्म को, क्योंकि यही ट्राइंगल शेप है, यही रहेंगे, कोई बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो आपने क्या लिया, एक व्हाइट शीट लगा ली ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आपने एक प्रिज्म रखी। ठीक है, वो प्रिज्म रख के उसकी बाउंड्री जो है ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक है, प्रिज्म को उठा लिया आपने, एक तरफ रख दिया, फिर इस ए बी जो लाइन है इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन के ऊपर दो पिन लगा दीजिए, दो पॉइंट लगा के, दो पॉइंट पे ऐसे मान लो पी और क्यू नाम दे दिया आपने इन पिन पॉइंट्स को, यहाँ दो पिन आपने लगा दी। ये लाइन तो ये क्या कहलाएगी, जो हमने ये लाइन ली है ये हम इंसिडेंट लाइट कहलाएंगे, इंसिडेंट रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देंगे परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के साथ, इस प्रकार से ये नॉर्मल आपका हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नाम जिसको आई वन कह देते हैं हम, या सिंपली आई कह दीजिए। ठीक है, अब यहां क्या है, एयर है, ये है ग्लास, मतलब यहां प्रिज्म अगर रखी हो तो आपको फिगर, मतलब ये तो अभी क्या करना है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने ऐसे ऐसा काम किया, फिर वापस प्रिज्म यहाँ पर रखोगे, प्रिज्म रखी, अब इधर से देखते हुए, इस फेस से देखते हुए ये दो पिन लगी हुई हैं, इनकी डायरेक्शन में बिल्कुल आपको दो पिन और लगानी है जो बिल्कुल इनकी डायरेक्शन में नजर आए, एक ही सीट में नजर आए, एक ही लाइन में, तो दो पिन आपको इधर और लगानी है जिनको आर और एस बोलोगे। तो कैसा मिलेगा आपको फिगर में आपको बता देता हूं, ये देखिए ध्यान से, तो इधर इधर से देखते हुए आपने इन दोनों की डायरेक्शन में सीध में लाइन में दो पिन लगाई, हटाई, दो पॉइंट मिल गए आर एस, इनको मिलाया तो ऐसे लाइन मिलेगी,
इन दोनों पॉइंट को बराबर यहां से मिला दोगे, नाम कोई भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे आपको फिगर मिला, ये लाइनें मिला दी। तो आप देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये हुई इंसिडेंट रे जो इधर जा रही थी, यहां पहुंची, यहां ये हो गया नॉर्मल, सीधी जाती है तो प्रिज्म नहीं होती थी, ऐसे निकल जाती थी, लेकिन प्रिज्म के कारण देखो ये किधर चली गई, ये बात हो जाएगी। एयर से क्लास में रेयर टू टेंसर तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो गई, ये देखिए इधर नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ये है ना नॉर्मल, ये आपका ये नॉर्मल ही है लाइन, और ये रे इधर बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, यही होता है रेयर टेंसर आती है। तो ये एंगल आपको मिला आर वन कह दीजिए, मान लो इसको मैं यहां लिखा देता हूं ऐसे करके निशान आर वन, ठीक है। फिर इधर गई, इस फेस पे आई या फिर नॉर्मल खींचा, तो ये इस एंगल को आप आर टू कह दीजिए, एक्चुअल में इंसिडेंट रे भी एंगल भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन यहाँ ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, इस रे की रिफ्लेक्टेड रे। और फिर अब बाहर जानी है एयर में वापस, तो डेंसर्स टू रेयरर्स आएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये इधर बैंड होगी, और ये एंगल हम कहेंगे एंगल ई स्मॉल इमरजेंट एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप एक्टिविटी खुद कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो ये फिगर प्रैक्टिकली। तो आपने क्या देखा, देखिए अगर प्रिज्म नहीं होती तो ये रे लाइट कैसे चल जाएगी सीधी, लेकिन प्रिज्म के कारण ये रे इधर आ गई, तो अपने पाथ से डेविएट हो गई, विचलित हो गई, इधर जानी थी ना, इधर चली गई, मतलब ऐसे जानी थी रे और इधर चली गई, तो पार से इतने एंगल से डेविएट हो गई, तो ये एंगल जो क्या है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहलाएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन। आप यहां दिखा सकते हो, ये जो मैंने एंगल दिखाई है डेल से डिनोट कर, सिंबल क्या कहते हैं, सिंबल को डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी प्रिज्म से, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो पूरा, आप लिखेंगे इसके बारे में आपने क्या क्या किया है, कि आपने प्रिज्म पे प्रिज्म रखी उसको ड्राइंग बोर्ड व्हाइट शीट पे, और प्रिज्म रखी बाउंड्री ड्रॉ की, फिर एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की, उसके ऊपर दो पिन लगाई, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ए बी के ऊपर, तो यहाँ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, दूसरी साइड से देखते हुए आपने क्या किया, दो पिन और लगाई यहां से और दो पॉइंट मिल गए और वो मिलाया, इस प्रकार से आपको मिला। यहां पर आप फिगर में बता सकते हैं, इन फिगर जो आपकी ये पी क्यू लाइन है, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, ये अंदर जो डी मिली डी इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म, एंड आर एस इज इमरजेंट रे, निर्गत बाहर निकलने वाली, ठीक है। डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, जितने एंगल से रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं
डिस्पर्सन ऑफ लाइट, समझेंगे ध्यान से डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। अगर सिंपल वर्डिंग में हम कहें तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सेवन कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, कि व्हाइट लाइट का प्रिज्म में से पास होकर इसके घटक सात रंगों में, इससे बनी हुई है सात रंगों में विभाजित हो जाना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम जैसे आप इसको चेक कर सकते हो एक्टिविटी करके, जैसे आपकी बुक में दे दी, आप क्या करें एक कार्डबोर्ड लें उसके अंदर एक नैरो होल कर लें या पतला सा छेद एक नैरो स्लिट बना ली चाहें पतली सी, तो उसके अंदर से सनलाइट को आने दें, कहीं पर सनलाइट आ रही उसके रास्ते में रखें तो उसके रास्ते में उसने रखा तो उससे आपको क्या मिलेगी, वी गेट ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट की बीम मिलेगी और पतली सी किरण मिलेगी। प्लेस ए प्रिज्म इन पाथ ऑफ दैट बीम एंड मूव द प्रिज्म फॉरवर्ड और बैकवर्ड सच दैट यू गेट ए पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिज्म। आप दूसरी साइड में क्या ड्रॉ करोगे, एक डिफरेंट कलर्स का एक पैटर्न मिलेगा आपको, अलग अलग रंग मिलेंगे, एंड दैट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो आप खुद जो है एक एक्टिविटी करके देख सकते हो एक प्रिज्म से, तो वही क्या कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, और जैसे हम फिगर में रहता हूं थोड़ा सा, ऐसे एक प्रिज्म है मान लो और एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर पहुंची, प्रिज्म में से पास होने के बाद वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, सात रंगों में बटेगी संगति। आप देखोगे तो हो सकता है पूरी तरीके से आपको डिस्टिंक्टली कलर नाम दिखे, कुछ मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रकार से तो इसमें से पास होने के बाद जो कलर्स का जो आपको पैटर्न मिलता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो हम यहां पर बताएंगे द बैंड ऑफ द कलर्स ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट बोल देंगे आप स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते सिंपली। ठीक है, इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कलर्स इन दिस पैटर्न इज
remembered by a word vigor from down to up. इसका ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ, इस वर्ड से याद रखा जाएगा विग्योर। और विग्योर में प्रत्येक जो है वर्ड का अपना एक महत्व है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट कलर सबसे नीचे मिलता है, रेड कलर सबसे ऊपर मिलता है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये तीन कलर एक ही कैटेगरी के हैं, काफी मिक्स हो जाते हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ब्लू कलर ही दिखाई देता है। तो ये बाकी देखो वायलेट और इंडिगो, इंडिगो को भी एक्चुअल में जो है जो ब्लू कलर ही है। इंडिगो कलर जैसे कि मोर की जो गर्दन होती है वो इंडिगो कलर का होता है, कैसा है वो ब्लू ही है। मतलब अगर आप इसी को हिंदी में याद रखो, इन्हीं कलर को हिंदी में बताओ तो उनके लिए भी एक वर्ड होता है इस प्रकार से बैंगनी पिनाला। तो बैंगनी नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये तीन कलर जो है ये तो दोनों एक्चुअल में नीले ही हैं। ये जो है डार्क ब्लू है, ये जो है स्काई ब्लू है। बैंगनी कलर भी और नीले से मिलता जुलता ही आपने देखा होगा। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो ब्लू कलर की बात करते हैं यहाँ, वो कंपैरिजन आगे हवा चलेंगे। और ये रेड कलर, तो इन दोनों का एक कंपैरिजन होता है भाई, सबसे नीचे बैंगनी मिलता है। अब बात आती है कि ये ऐसा क्यों होता है कि प्रिज्म जो है में से पास होने के बाद व्हाइट लाइट लॉस है तो वह सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है, कैसे क्या कारण है इसका। तो ज़्यादा डिटेल में अगर जाए तो हमें वहाँ जो एक साइंटिस्ट है कोची नाम का साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताएगा। आप सिंपली यहाँ पर यही जानेंगे कि प्रिज्म में जब पास होती है तो एंगल ऑफ डाइवर्जन जो है अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं प्रिज्म में से पास होने पर, एक जैसे एंगल पर जो है डेविएट नहीं होते हैं। यही कारण है इनका ओपेट होने का। तो हम यहाँ बता सकते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्सन, कॉज ऑफ डिस्पर्सन इज क्या कहेंगे, इज डेविएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स of different colors at different angles after passing through prism। बता देते हैं यहां पर रेड कलर डेविएट्स लीस्ट सबसे कम एंड वायलेट कलर डेविएट्स मोस्ट सबसे ज्यादा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता, जिसके कारण एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग हो जाता है और इसके कारण हमें डिफरेंट कलर मिलते हैं। सबसे पहले ध्यान सुनिए पॉइंट बता रहा हूं, सबसे पहले ये जो पैटर्न है डिस्पर्सन है इसका फिनोमिना
आइजैक न्यूटन ने बदला था। किसने? न्यूटन ने ये फिनोमिना किया था जिसमें उसने 7 कलर्स प्राप्त किए व्हाइट लाइट के। फिर न्यूटन ने क्या किया, ट्राई किया कि ये देखा क्या ये व्हाइट लाइट जो है 7 कलर के बाद और भी आगे डिवाइड होती है। तो उसके लिए उसने क्या किया कि इस प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म रखी फिर से, लेकिन देखा कि इसमें से पास होने के बाद स्क्रीन के सामने ऐसे करके इसमें से पास होने के बाद वापस फिर से वही कलर मिल रहे साथ, मतलब इससे आगे डिवाइड नहीं होते हैं। तो कह दिया कि व्हाइट लाइट 7 कलर रंगों से मिलकर बनी हुई है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। फिर उसमें वैसे ये भी देखा कि प्रिज्म को उल्टा करके रख के देख लेते हैं सामने, प्रिज्म को इसके सामने उल्टा करके रख के देखा जाए शायद फीडबैक, लेकिन उसमें देखा कि ऐसा नहीं होता है, ये लाइट जो है इसमें से पास होकर अब वापस फिर जो है एक सिंगल जो है रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाती है व्हाइट लाइट। अगेन अगर एक प्रिज्म के सामने आपने 7 कलर मिले उसके सामने एक रिवर्स ऑर्डर में प्रिज्म रखती उल्टी करके, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगी, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहां से न्यूटन ने कह दिया कि व्हाइट लाइट इज कंसिस्टेड ऑफ 7 कलर्स और ये उनका ऑर्डर है, ये वे कलर है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा क्या प्रिज्म के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।